वेलकम बैक। आई मार्केट हब महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज का ये सेशन क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। आज हम फिर इस चैप्टर का नया सेशन लेके आए हैं, बट इससे पहले के सेशन में हम एक्सरसाइज 3F तक बनाए थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स का। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि उस चैप्टर का एक एक्सरसाइज 3G को हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सिलेबस ने आपका 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, जिसमें AQ+BQ+CQ-3ABC का जो आइडेंटिटी है यानी एक्सरसाइज 3G उसको हटा दिया गया है। इसलिए फिलहाल हमने उस सेशन को अभी उस एक्सरसाइज को नहीं बताया है, बाद में फिर अगर पहले हम जो सिलेबस है आपका उसको लेके हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल में भी हमने आपको पिछले सेशन में इसका एक एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 बताए थे। अब हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सेशन में या दो सेशन में आपको पहले उसके थ्योरम जो रिलेटेड थ्योरम है उसके बारे में समझते हैं, और उससे रिलेटेड थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का अगर हम मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो वो थर्ड साइड का पैरेलल और हाफ होता है। इसका स्टेटमेंट होता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। इसका स्टेटमेंट याद रखना है। एग्जाम में ये भी कभी कभी आ जाता है कि स्टेट द मिड पॉइंट थ्योरम, कि मिड पॉइंट थ्योरम को लिखिए द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ ABC एक ट्रायंगल लिए थे जिसमें AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है। तो जब AB का मिड पॉइंट D है इट मीन्स AD और DB बराबर होगा, AC का मिड पॉइंट अगर E है इसका मतलब AE के बराबर EC होगा। तो गिवन में हम लिखेंगे कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D एंड E मिड पॉइंट हैं ऑफ द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। क्लियर। फिर कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम, इस AB के पैरेलल में C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, इधर DE को प्रोड्यूस कीजिए, F से मिल जाएगा। तो मिलने के बाद मेरे पास ये दो ट्रायंगल बन जाता है, एक AED और एक CEF। इस दोनों ट्रायंगल में हम इसका नेमिंग 1 और 2 कर दिए। आप देख रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका नाम 3 इसका नाम 4 है, तो 3 के बराबर 4 है जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर। तो जब हम इसको कंग्रुएंस करेंगे तो 3 के बराबर 4 होगा, 1 के बराबर 2 होगा, AE के बराबर EC होगा। तो फिर AS AC ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो जाएगा। तो CP CT से DE के बराबर EF हो जाएगा और AD के बराबर CF हो जाएगा। अब क्या ध्यान दीजिए कि जब हम इस दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंस किए तो AD के बराबर CF तो हुआ, AD के बराबर DB पहले से था, तो AD के बराबर DB था और AD के बराबर CF हुआ, इसका मतलब DB के बराबर क्या CF है। और पिछले सेशन में हमने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल्स में एक रिजल्ट आता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर भी अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी हो या पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो आप देखिए DBCF क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें DB के बराबर CF भी है, अभी प्रूफ किए हैं, और DB का पैरेलल CF है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसीलिए पैरेललोग्राम बन गया। ठीक। तो जब ये पैरेललोग्राम बनेगा तो BC के बराबर DF होगा, बट DE के बराबर EF है। तो जब BC DF के बराबर है और DE DF का हाफ है और DF के बराबर BC, इसका मतलब DE BC का भी हाफ होगा। जब DBCF एक पैरेललोग्राम है तो BC DF का पैरेलल होगा, DF का ही पार्ट DE है, इसीलिए DE BC का भी पैरेलल हुआ।
क्लियर। इसी को हमने यहाँ लिखा है कि गिवन ए ट्रायंगल एबीसी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल है बीसी का, डी ई बराबर हाफ है बीसी का। कंस्ट्रक्शन कर दिए कि सी एफ पैरेलल ड्रॉ कर दिए ए बी का, ए ई डी और सी ई एफ को क्या किए हम कंग्रुएंस कर दिए। कंग्रुएंस करने से देखिए डी ई के बराबर ई एफ हो गया, ए डी के बराबर सी एफ हो गया। ए डी के बराबर डी बी तो पहले से दिया था और ए डी के बराबर सी एफ भी हुआ, इसीलिए सी एफ और डी बी बराबर हो गया। और सी एफ पैरेलल है डी बी का, इसीलिए डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम बन गया, इसीलिए बी सी बराबर डी एफ हो गया। डी एफ को तोड़ देते हैं डी ई प्लस ई एफ, ई एफ के जगह पर भी डी ई दे देंगे तो बी सी बराबर टू डी। अगर बी सी बराबर टू डी ई आएगा तो डी ई बी सी का हाफ हो गया, और डी ई अगर बी सी का हाफ हुआ और बी सी पहले से पैरेलल है डी ई का, इसीलिए हम कहेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे तो वो थर्ड साइड का पैरेलल एंड हाफ होगा। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में मिड पॉइंट थ्योरम समझे, फिर अगले सेशन में हम कन्वर्सस मिड पॉइंट थ्योरम समझाएंगे। थैंक यू।